Hey guys, welcome back to Bhojpuri Chilies. मैं हूँ रुधीर, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं तान्या झा ऑफिशियल चैनल से. देखिए, तेगलवा ने तान्या झा का पैर पकड़कर मांगी माफी. तान्या झा वायरल वीडियो. ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो. इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके कुछ चमन चुतियन के लागत रहे ना कि अगर के पटना में हम कुछ कह ना पाई तो पटना में करके हम कुछ ना कर रहे हैं. काहे कि रीजन बस इतना रहुए ना कि हम वो आदमी के इज्जत बहुत करत रहे. दूसरी बात, सबके को लगे ना कि बड़ सस्ता है. हमारा पाछा छा हमारे भाई के हाथ से, हमारे सर पर हाथ में, तो हमरा के उकनी कुल के रहते ना, हमरा के केहू छू ना सकेला. ये कौन खेत के मुरैया साला मरल, मार देवे ठत्ता लगा ताकि मर जाई. अरे यार, ये नवा तुरी बहन महतारी करी ऐसी तैसे. सुन, बुलाए हो ना इसको, मुंबई का सपना दिखाए. अरे मादर चोद, तुम मेरी बात सुनो. तुम्हारी खुद की औकात है मुंबई जाने की बे, खुद की औकात है. पहले खुद चले जाओ, उसके बाद तुम आना. तुमको ताने था के बारे में बोलने के लिए किसने कहा है? कोई बहका दिया ऐसा. किसने बहकाया था? नाम याद नहीं है, मगर ऐसा हुआ. आर्यन जी एफएक्स के लिए तुम पटना गए थे ना? एकदम सीधा सीधा जवाब देना. गया था आर्यन जी एफएक्स के लिए. उसने तुमसे क्या कहा था? उसने कुछ आपके बारे में बुरा नहीं बोला. नहीं बोला? दूसरा मीडिया वाले जो आते हैं हमारे आश्रम पर. हाँ, आगे बोला ना, तुम रेवतिया सब समझ रहे हो. तो वो सब इधर उधर अपना चैनल बनाने के लिए हमको दिमाग में भरने लगा. धीरे धीरे भोजपुरिया में बोले गड़बड़ हो गया. ऐसे करते 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 ऐसा बात हो गया. अब हमको बुझाया कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए. तो अभी हमने बात माना हूँ कि हम आपसे माफी मांगते हैं और जितने दर्शक है उनसे भी माफी मांगते. कितने न्यूज पे तुम माफी मांग चुके हो? हाँ मांगा हूँ. कितने न्यूज पे तुम मांग चुके हो? अब चली तो मंगाई. हाँ, अब ये चलता है इस न्यूज से. अभी मैं माफी मांगता हूँ, इसके बाद कौनो न्यूज पर. तुम्हारी बीवी है ना, तुम्हारे बच्चे है ना, तुम्हारी माँ है ना, उन लोगों का मुंह देख करके तुमको शर्म नहीं आता? अरे भोसड़ी वाले की मेरे से तुम्हारी बेटी है, तुमको लाख शर्म नहीं आता है? आता है ना? तुमको ताने था के बारे में ऐसा बोलना चाहिए था कि नहीं? तुम्हारी वजह से मेरा गाना डिस्टर्ब हुआ है, मरने तक पे तुला है. अरे भोसड़ी वाले, तुम्हारी वजह से घर में हम अपना आल जाल अपना सुन रहे हैं. मेरा घर वाला हमसे विरुद्ध हो गया तुम्हारी वजह से. तुम्हारा बिगाड़े का है ना मादर चोद, तुम ही बताओ हमको. अच्छा, इस चैनल से हम इनके सामने अब बोल, इनके सामने, दर्शकों के सामने हम माफी मांगते हैं कि आज के बाद से हम इनको तान्या को बेटी कहेंगे और बेटी रहेगी. ऐसा हमारा वचन होगा, कोई भी चैनल अगर आता है तो बेटी के नाम से हम बात करेंगे. ताली होगा, ताली बजाओ. अगर ताली खराब भाव कहता है तो टिश्यू से गुड गुड गुड. तान्या का कौन है? तुम्हारी बेटी है, दुरुस्त है. अगर इसके खिलाफ गलत अगर कोई बोलता है तो एक हीरो तेगलवा छोड़ेंगे नहीं कि आज हमारा बहन हो गई है. मेरी बहन है, मेरे को डांटती है, समझ गया तो सुधारती है. मेरी बहन मेरी बहन है, मैं बहन को माफी मांगता हूँ चरण छू करके. बड़म बाबा के स्थान पर, बड़म बाबा के स्थान पर. तान्या, हमसे गलती हो गया. तान्या ऐसा नहीं, दांत मत बिछाओ. पैर तान्या बहन, पैर पकड़ो. सुनो तान्या बहन, पैर पकड़ो. तान्या देखो, पकड़ो दोनों हाथ पकड़ो. तान्या बहन सुनो, दोनों हाथ पकड़ अब बोल. हाँ तान्या बहन, आज के बाद तेरे को सलाम करूंगा बहन के निरीक्षा से. हमारी जो भी इंडिया में राखी बनवाएंगे ना. हाँ राखी बनवा. आओ राखी बताओ. अब कहाँ से रात में? अरे धागा बांध, रोके ना, दे दिया था. अरे धागा का डोर बांध. तान्या बहन, राखी बांधो भाई को. प्लीज भाई, डोर आवाज नहीं मार. अच्छा, सुखी से दुआ देंगे भाई. राखी समझ के बाद मेरी बहन, मेरे को भाई बोल कर गाली दे रही है. कुछ दे दो, बहुत प्यार से माने हैं शगुन. भैया मजाक नहीं. आज के बाद मेरे बारे में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, वरना अतलक ना बहन के नाम से मर जाओगे. बहन के नाम से बताने तो तुम्हारी कौन है? बहन है आपके तो बेटी का आत्रा नहीं आई. नहीं बहन बेटी, वो कुछ तो बोल रहा है.
गंदी बातें ना बोले, बाकी कुछ भी ऐसे मैं करूंगा। दे दिया। जो भी चैनल वाले हैं सुनते हैं इस चैनल को तो सुन लो, वाला और चैनल वाला के करी किन्हो जाना चैनल जब आवा उल्टा पलटा कर दलो चैनल वाला के तेल देवे के बा। अगर कोई भी चैनल वाला मेरे को जबरदस्ती किया कि तानिया झा को ऐसा उल्टा बोलो तो साले को पहले घोप दूंगा, नहीं तो छेद दूंगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड को मैं बता देता हूँ कि ये तेगालो बाबा भरम गए थे दूसरा साला चैनल बनाने के लिए। तो बाबा कैसे हो तुम अगर तुम्हें किसी ने भरमा दिया है रात में और पटना में? चाहते तो पटना से उठा सकते थे लेकिन मैंने नहीं उठाया क्योंकि वो मेरा संस्कार नहीं था। हाँ। तुमको तुम्हारे घर से उठाए, इतनी औकात थी मेरी। हाँ। देख लो ये मैंने देहात में जो गांव में इज्जत इज्जत भी है भोसड़ी के। अरे भाई एक भटक गया था तो ये समझाने के बोला था बीचवा से, ये समझाने के लिए मेरे को नाइट में बुलाइए और मैं यहाँ चैनल पर बोल रहा हूँ कि आज के बाद तानिया का कौन लेकर के आया तुमको? तानिया का भाई लोग उठा के लाया ना तुमको? भाई भाई लेके आए। कौन उठा के लाया तुमको? भाई तानिया का भाई। जब इतने अच्छे अच्छे भाई पड़े तो तानिया को आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम फेंकना रे इसको, हटाओ आज के बाद मेरे बारे में। हाँ। एक बात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं कहूंगा, जरूरत पड़ेगा तो। हाँ जरूरत पड़ेगा तो मेरे नाम के अलावा तुमको कोई जानता भी नहीं है, इतना तुम याद रखना बढ़िया तरीके से। भोजपुरी के बहुत बड़े बाप हैं, हम नहीं जानते ना तो जान लो आज। मेरे नाम के बाद ही तुमको कोई जानता है, अपना चीज बढ़िया से जान लो तुम, हमसे पहले तुमको कोई नहीं जानता था। तानिया जा बहन भैया बड़ा बदनाम कर नरक में जगह नहीं मिलेगा, लक्ष्मी आज के बाद तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तुम मेरी बहन समान हो, तू मेरी बहन समान है, पलट मादर चूत। चलो भैया जिस हिसाब से इन्होंने गंद फैलाया था ना, ये तेगलवा बाबा ने जो अपने आप को बाबा बोलते हैं, ठीक है, ये अपने आप को शिव जी का रूप मानते हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर डमरू लेकर है ना, सर पे भगवा पहनकर माला डालकर और यहाँ फूल वूल लगा के ये अपने आप को शिव जी समझते हैं। फ्रॉड है ये, बाबा भी नहीं कहना चाहूँगी, बाबा के नाम पर धब्बा है। तो जिस हिसाब से इन्होंने गंद फैलाया था, ठीक, माफ़ी मंगवा ली, बहुत अच्छा किया, कीप इट अप, ठीक है, इस चीज़ के लिए मैं सराहती हूँ, मैं साथ देती हूँ तानिया झा का कि हाँ उन्होंने माफ़ी मंगवाई, क्योंकि उन्हें भी परेशानी हो रही थी। भाई किसी की भी कलाकार के बारे में अगर कोई भी बात होगी, इस टाइप की कंट्रोवर्सी होगी, अगर बुरी भली बात कोई सी भी होगी तो वो एक बुरा इम्प्रेशन डालती है वो चीज़, ठीक है, क्योंकि हमेशा लोगों को क्या चाहिए होता है, मिर्च मसाला, है ना, तो वो चीज़ है कि मिर्च मसाला चाहिए होता है। बट क्या है ना यार, हम इंडियंस में एक सॉफ्ट साइड भी होता है, ठीक है, और ख़ासकर वुमेंस में एक सॉफ्ट साइड भी होता है। भाई उसे ऐसे जलील होते देख कर ना कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा था कि हाँ है तो इंसान ही किसी ने भरमा दिया, ठीक है, किसी ने उसे ओवर एक्साइट कर दिया कि हाँ तुम इसके बारे में ऐसा ऐसे बोलो तो तुम्हें व्यूज़ आएंगे, ठीक है, तो तुम फेमस हो जाओगे, तुम्हें लोग और ज़्यादा दान देंगे, दक्षिणा देंगे, ठीक है, तो शायद यही बोलकर उसके बाद पैसे देकर उसे फिर ये सब बुलवाया गया, ठीक है, जो भी उसने बोला, बट बोला इसलिए उसकी गलती थी, है ना, और उसके लिए माफ़ी मंगवा ली, वो सही बात थी। दूसरी बात यार, इस क्लिप में भी साफ साफ तौर पे दिखा, मतलब यहाँ पर दोनों ही, ठीक है, ना वो बाबा इज्जत कर रहे थे उस डमरू और त्रिशूल की, और तानिया झा भी कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा मतलब डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रही थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा जो धार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनके साथ तो वो कैसे भी हों यार, किस भी हाल में हो, जो भी धार्मिक चीज़ें हों उनके साथ हमेशा रेस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप कितने ही वेग में क्यों ना हो, आप कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन
आपका जो आचरण है, आपका जो संस्कार है, वो आपके व्यवहार से ही झलकते हैं हमेशा, ठीक है। इसलिए इन्हें उन धार्मिक चीज़ों के साथ थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए था, मुझे ये कहना था, क्योंकि उसने ज़मीन पर रख दिया तेगलवा बाबा ने, ठीक है, और उसके बाद वो वहीं से भक्त मदरबोर्ड बोलकर उसके बाद उधर से निकली, तो आई थिंक सो कि शायद उसमें पैर लगा है ना, साफ दिखाई नहीं दिया बट लगा, क्योंकि वो वहीं रखा हुआ था त्रिशूल बिल्कुल ज़मीन पर, ऐसा लगा कि हाँ शायद उसका पैर लगा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट वहाँ पर देना ज़रूरी था, है ना। ओवरऑल यार मुझे बस इतना ही, ये कंक्लूजन अगर मैं दूँ तो एक चीज़, उसने गलत किया, तेगलवा बाबा ने गलत किया, यहाँ उन्होंने माफ़ी मंगवा ली तान्या झा ने, बात ख़त्म हो गई, ठीक। अब इसके आगे यार अगर लोग कंट्रोवर्सी बढ़ाते हैं, फालतू की बातें करते हैं इधर उधर की, है ना, तो फिर वो थोड़ा बात खींचने वाली बात हो जाएगी, है ना। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।